हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए लेकर आए मॉडल्स पार्ट 6। मॉडल का जो छठवां भाग है, यूज ऑफ शुड, इसके पहले हम 5 भाग इस मॉडल्स के अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाके बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज हम शुड का प्रयोग बताएंगे, शुड के कितने यूजेज होते हैं, शुड का मतलब क्या होता है और शुड का हमें कैसे और कहाँ कहाँ कब यूज करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। तो पहला यूज है शुड का, शुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ गिव एंड टेक एडवाइस, सलाह लेने या देने में। शुड का पहला यूज हम बता रहे हैं, शुड का पहला यूज होता है किसी से सलाह लेने या किसी को सलाह देने में। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर। पहला स्ट्रक्चर ये हुआ सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर। दूसरा स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस नाउन अदर प्लस अदर। तीसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 प्लस अदर। तो तीनों के एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से एग्जाम्पल, तीनों स्ट्रक्चर के एक एक करके एग्जाम्पल हम लेते हैं और यहाँ पे आपको इसे समझ में आ जाएगा। तो शुड सबसे पहले शुड का जो पहला स्ट्रक्चर दिया सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर का, जैसे यू शुड गो देयर, ये तो होगा पहला वाला स्ट्रक्चर। यू सब्जेक्ट शुड शुड गो देयर। अब दूसरा वाला देख लेते हैं, शुड बी ही शुड बी अ डॉक्टर। दूसरे वाले स्ट्रक्चर का ये है एग्जांपल, ही शुड बी अ डॉक्टर, ही शुड बी ए डॉक्टर। तीसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट शुड हैव प्लस V3 प्लस अदर का, यू शुड हैव डन दिस वर्क। तो इसमें हमने बताया पहला जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर का, हमने एग्जांपल लिखा है यू शुड गो देयर साधारण अर्थ में। दूसरा स्ट्रक्चर जो है इसका एग्जांपल हमने ये लिखा है ही शुड बी अ डॉक्टर। तीसरा जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड है प्लस V3 प्लस अदर का लिखा है यू शुड हैव डन दिस वर्क। इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं शुड का यूज करके। ये तो रहा शुड का पहला यूज, अब देख लेते हैं शुड का दूसरा यूज। अब देखते हैं स्टूडेंट्स शुड का दूसरा यूज। Should is used with the past sense of shall in indirect. Indirect में shall का should हो जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे। Example आपको बता दें, He asked me if I shall help you. तो यहाँ पे आपने देखा ही asked me if I shall help you. तो ये देखा ये जो verb है यहाँ पर past tense की है और यहाँ पर जो है shall present tense मतलब जो है use हुआ है। तो इसका आप क्या करेंगे, जब यहाँ पर ये past tense की verb है तो यहाँ भी past tense करेंगे, तो क्या करेंगे, he asked me if I should help you, कुछ नहीं बस उसमें सेल का शुड परिवर्तन हुआ है। तो इस तरह से आप इनडायरेक्ट में सेल का शुड बनाते हैं, यूज करते हैं। चलिए देख लेते हैं तीसरा यूज। स्टूडेंट्स देख लीजिए शुड का तीसरा यूज, शुड का तीसरा यूज हम कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
शुड इज़ यूज विद द सेंस ऑफ मॉरल ड्यूटी। शुड का प्रयोग नैतिक कर्तव्य नैतिक भावना को दर्शाने में भी किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वी वन प्लस अदर, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वी वन प्लस अदर। जैसे वी शुड हेल्प द नीडी, हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। ये यहाँ पे आप कर दीजिए पुअर, ये आप कर सकते हैं वी शुड हेल्प द पुअर। वी शुड सर्व आवर कंट्री, वी शुड सर्व आवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। ये नैतिक कर्तव्य अपनी भावना को अपने फर्ज अपने कर्तव्य को दर्शाने में हमने यहाँ पर शुड का यूज किया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर शुड का यूज कैसे होता है। ये तो रहा है शुड का तीसरा यूज, अब देख लेते हैं शुड का चौथा यूज। स्टूडेंट्स देख लीजिए चौथा यूज शुड का, शुड का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंसेज में विथ लेस पॉसिबिलिटी को बताने में, बहुत कम संभावना को दर्शाने में भी शुड का प्रयोग होता है कंडीशन सेंटेंस में जिसमें ना के बराबर कोई संभावना हो। इसका इंस्ट्रक्शन इसका स्ट्रक्चर दिया है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वी वन प्लस अदर। वैसे मॉडल के साथ में इफ का यूज नहीं, यानी इफ के साथ में मॉडल का यूज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे होगा। ये हम आपको बता दें किस तरह से करेंगे। इसका एक एग्जांपल आप देख लीजिए, इफ दे शुड कम आस्क them to wait for me, मतलब ये एग्जाम्पल हो गया इफ दे शुड कम, यदि वो यहाँ पर आए, इसका हिंदी में अर्थ हुआ यदि वो यहाँ पर आए तो उनसे कहिए कि मेरा इंतजार करें, यदि वो यहाँ पर आए तो उनसे कहिए कि मेरा इंतजार करें, यदि वो यहाँ पर आए तो उनसे कहिए कि मेरा इंतजार करें। ये हुआ शुड का चौथा यूज। आप देख लेते हैं शुड का पांचवा यूज। स्टूडेंट्स देख लीजिए शुड का पांचवा यूज, शुड इज यूज विद द सेंस ऑफ फॉर्मल इंफॉर्मेशन, एक सामान्य औपचारिक सूचना या किसी के बारे में सामान्य जानकारी, किसी नियम के बारे में किसी कानून के बारे में सामान्य जानकारी को बताए जाने के संदर्भ में भी शुड का यूज करते हैं फॉर्मल इंफॉर्मेशन में। इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वी वन प्लस अदर, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वी वन प्लस अदर। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, किस तरह से एग्जाम्पल होगा इसका, स्टूडेंट्स शुड आंसर All the questions. Students should answer all the questions. विद्यार्थियों को सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये जो है फॉर्मल इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पर हमने शुड का यूज किया है। तो आप देख लेते हैं शुड का छठा यूज। स्टूडेंट्स शुड का छठा यूज देख लीजिए, शुड इज़ यूज विथ लेस्ट, लेस्ट के साथ में, लेस्ट मानो होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, ये नेगेटिव वर्ड है, कहीं ऐसा ना हो, इसका यूज करके आप कैसे सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे स्ट्रक्चर एक हम बता दें सिंपल सा, सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस अदर, कामा लगा दिया, प्लस लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वी वन प्लस अदर। जैसे देख लीजिए किस तरह से आप करेंगे, He works hard. He works hard. यहाँ पे हमने शुरू कर दिया, He works hard. Lest
ही शुड फेल, ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड फेल। वह कठिन परिश्रम करता है लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो कि वह फेल हो जाए। आगे आप पढ़ा सकते हैं ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड फेल द एग्जामिनेशन, फेल द एग्जाम्स कुछ भी कर सकते हैं। ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड फेल। आप यहाँ पे चाहें तो सब्जेक्ट ना लगा सकते हैं, सब्जेक्ट बिना लगा के भी एक सेंटेंस यहाँ के बन सकता है। इसमें आपने सब्जेक्ट के साथ बना दिया सेंटेंस, एक बिना सब्जेक्ट का हम सेंटेंस आपको बताते हैं, ये लगाओ चाहे ना लगाओ, अगर आवश्यक है आया है तो आप लगा सकते हैं। जैसे वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। साउथ वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, सावधानी पूर्वक चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। जैसे एक और एक एग्जांपल देख लीजिए, मेक हेस्ट लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन, जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि हमें ट्रेन छूट जाए। मेक हेस्ट लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन, या यू शुड मिस द ट्रेन, या दे कुछ भी कर सकते हैं उसमें इस सेंस के हिसाब से। मेक हेस्ट लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन, जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि हमें ट्रेन छूट जाए। तो इस तरह से आप शुड के यूजेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखा है, पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको समझ आ गया होगा कि शुड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं और किस तरह करते हैं, और इसकी शर्तें क्या होती हैं, इसके नियम क्या होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, घंटी वाले को दबा दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।